पत्र सूचना कार्यालय शिमला द्वारा उपायुक्त कार्यालय शिमला के बचत भवन में भारत सरकार के सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूर्ण होने पर ग्रामीण बच्चों में प्रभावी सूचना एवं सरकारी सूचना संचार प्रणाली एवं स्थानीय मीडिया के साथ समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से एक वार्तालाप कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां पत्र सूचना कार्यालय शिमला के संयुक्त निदेशक प्रीतम सिंह द्वारा कार्यक्रम के संदर्भ में बारीकियों को साझा किया गया। वहीं स्थानीय मीडिया से ग्रामीण परिवेश में सूचना के प्रभावी बल पर जोर दिया गया। आयोजकों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की जानकारी भी दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा प्रेस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट स्तर पर मीडिया वार्तालाप का आयोजन समय समय पर किया जाता है। आज एक वार्तालाप शिमला में आयोजित की गई, इसमें 3-4 इश्यूज पर मीडिया से सीधे बातचीत की गई। सबसे पहले तो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो शुरू हो रही है 15 नवम्बर से, और जिसमें हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में भी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स को उसमें शामिल किया गया, उसके बारे में मीडिया को जानकारी दी गई कि कैसे यात्रा 2 महीने तक चलेगी। और इसमें ना सिर्फ सरकारी उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा, सरकारी योजनाओं के बारे में बताया जाएगा, बल्कि बहुत सारे साथ में उस तरह के सेंटर्स होंगे जो बेनिफिशियरीज को मदद करेंगे ऑन द स्पॉट सरकारी योजनाओं की मदद लेने। इसके साथ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई, हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कैसे क्रियान्वयन हो रहा है, कैसे टीचर्स ट्रेनिंग को लेकर चैलेंजेस हैं, टीचर्स की संख्या को लेकर चैलेंजेस हैं, उसके बारे में बहुत खुल के बातचीत हुई और कुछ अच्छे सुझाव आए जो कहीं ना कहीं मदद करेंगे शिक्षा विभाग को अपनी पॉलिसीज़ को और बेटर तरीके से फ्रेम करने के लिए, जहाँ पर कमियाँ उनको दूर करने के लिए। हेल्थ सेक्टर के अंदर आयुष्मान भारत का जो क्रियान्वयन है, कहीं कहीं पर अगर ट्रीटमेंट को लेकर इश्यूज हैं, अगर ऑनलाइन उस समय रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया तो कैसे वो लाभार्थी अपना ट्रीटमेंट ले सकता है, इनको लेकर भी मीडिया से जानकारी साझा की गई। और साथ ही साथ हमारे जो DPRO साहब हैं, उन्होंने इस बारे में जानकारी दी कि कैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल वर्तमान समय में हो रहा है। विशेष तौर से यहाँ ये बताना चाहेंगे कि PIB जो फैक्ट चेक सीरीज़ है, उसके माध्यम से हम किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी से बच सकते हैं। PIB ने एक स्पेशल सीरीज़ पिछले कुछ वर्षों से लॉन्च की हुई है, जिसमें आप व्हाट्सएप के माध्यम से, जीमेल के माध्यम से, PIB के ट्विटर फैक्ट चेक हैंडल के माध्यम से अगर कोई भी ऐसी जानकारी आपको मिलती है जिसमें लगता है कि ये तथ्यों पर आधारित नहीं है, या ये समाज में किसी तरह का वैमनस्य से बढ़ा सकती है, या ये किसी अल्टीरियर मोटिव के साथ गलत जानकारी सर्कुलेट की जा रही है, तो PIB फैक्ट चेक सीरीज़ के माध्यम से सही जानकारी लोगों तक पहुँचाने में प्रशासन की और समाज की मदद कर सकते हैं। जब शिक्षा क्षेत्र की बात हुई तो मीडिया को ये भी रिक्वेस्ट किया गया कि विद्यांजलि जैसी स्कीम, ई विद्या पोर्टल, जिससे कि हम अपने दूर दराज के बच्चों को ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से शिक्षा दे सकें, विद्यांजलि के माध्यम से वॉलंटियर्स को मोटिवेट कर सकें कि वो उन स्कूलों में जाएँ जहाँ पर किसी भी तरह के रिसोर्सेज का शॉर्टेज हो, जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे हिमाचल प्रदेश हमेशा से एक अग्रणी राज्य रही, स्टेटस कायम रखें और अपने यहाँ पर विकास की एक नई धारा को प्रभावित कर सकें।